जय नमोस्तु आनंदे माऊ नंदे सहा परमता ते पदे विंदे पाओ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जतउ जिने वर हम अर्थ ति अर्थ है जो मैं विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर लोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति श्रोतात्मतत्वं प्रैमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानं वयं सम्यक् दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहस में श्रोतात्मे देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मिलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। मैं शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र भगवान का आनंदमयी भाई उत्सव मना देता बस अक्त जानो बस। जिनेन्द्र भगवान का आनंदमय अनंत उत्सव को उत्पन्न करने वाला मंगलमय उपदेश, वो मंगलमय उपदेश है कि आद्य मनादि श्रद्धा। आप इसका उत्सव मनाओ, पहले आप बहुमान करो। क्यों भैया क्यों मनाए उत्सव, क्यों करें बहुमान? क्योंकि भैया ये जिन अमृत मिल जाने से, यह जिन भगवान की देशना मिल जाने से मेरे आत्मा को, मेरे जीव आत्मा को वो मंगलमय कार्य घटा है, वो मंगलमय कार्य घटा है, वो मंगलमय कार्य घटा है जिस मंगल के जन्म ले हो जाने से, जिस सम्यक श्रद्धान के हो जाने से, जो सम्यक रूपी वीर को जान लेने से, अनादि अनंत काल का जो अनंत संसार था, जो अनंत संसार के अनंत दुख थे, जो अनंत संसार का अनंत परिभ्रमण था, वो पूरा का पूरा क्षय हो गया। भैया कहाँ छे हो गया? अभी हमारे कुछ भव बचे तो हैं, अभी हम क्या बोलते हैं अभी संसार में है तो अभी हम, भैया अभी जो आपका संसार में परिणमन दिख रहा है आपके मन वचन काय का, जो अभी वर्तमान में संयोग रूप जो परिणमन दिख रहा है वो तो मात कर्णधारा रूप है बस। नहीं, उसमें अभी जुड़ान भी हो रहा हमारा, तो भैया वो जो जुड़ान भी है ना वो अनंत संसार रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको मैं आदि अनादि शुद्ध है। जो आपको सम्यक श्रद्धान रूप परिणति उत्पन्न हुई ना, जो सम्यक श्रद्धान रूप जो परिणमन आपको उत्पन्न हो गया है ना, प्रतिपर आपने ध्रुव शुद्धात्मा की लगन, ध्रुव शुद्धात्म स्वभाव का स्मरण, ध्रुव स्वभाव की सुरति, उसका बोध, उसकी आराधना साधना भक्ति बहुमान जो आपको उत्पन्न हुआ ना, वह इस बात का प्रमाण है कि आपका अनंत संसार का जो परिभ्रमण है, आपका जो अनादि अनंत चतुर्गति का संसार का जो यात्रा का मूल कारण है, वह आपका मिथ्यात् अब वो आपका नहीं रहा। जिसे मिथ्यात् को अपना मान रहे थे, वह जिस मिथ्या मानता था संसार को अपना मान रहे थे, वह मिथ्यात् चला गया। कभी काय का उत्सव मनाए तो आप इस बात का उत्सव मनाओ, इस बात का महोत्सव मनाओ काय का भैया, कि हमें इसी सम्यक में सत्ता का जागरण हुआ है। हमारे हृदय में ऐसी सम्यक में सत्ता का जागरण हुआ है, हमारे हृदय में ऐसी सम्यक में चेतन सत्ता का जागरण हुआ है, हमारे हृदय में ऐसा श्रद्धान हुआ है अपने अवैध तिंकोत की निगायक ध्रुव स्वभाव का, हमारे हृदय में सत्य श्रद्धान हुआ है।
ये क्यों महोत्सव मना है? यदि आप जिन भगवान के इन वचनों का महोत्सव मनाओगे तो आप यदि को यदि इनका बहुमान आएगा जिन वचनों का, कि वाह आनंद में ये स्वभाव, मेरा परम आनंद में स्वभाव ये मेरे अंतर में उत्पन्न हुआ है, उदित हुआ है, यदि ऐसा बहुमान आपके अंतर से आएगा तो फिर जो आपका उपयोग इधर उधर लगा हुआ है ना फालतू विकल्पों में, वो सारे विकल्प मिला जाएंगे। संसार के विकल्प क्यों है? संसार में के संसार के वर्तमान में दुख क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि अपनी प्राप्त निधि का बहुमान नहीं। सावधान चेतन, आपको आपको अभी वर्तमान में दुख किस बात का है? आप वर्तमान में किस आकुलता में हैं? आप वर्तमान परिवेश में किस कर्मधारा से दुखी हैं? किस अज्ञानता से दुखी हैं? किस मोह से दुखी हैं? आप वर्तमान में जिस भी धारा से दुखी हैं, आपका कर्मोदय का परिणमन जैसा भी चल रहा है, उस परिणमन से आप जितने भी दुखी हैं, वह दुख मात्र इस कारण से है, मात्र इस कारण से है क्योंकि आपको आपके अनंत चतुष्टय में स्वभाव जो अभी अंकुरित हुआ है आपके हृदय में। बहुत अच्छी बात है भगवान, अच्छे से लो, बहुत गहरी बात है, बहुत प्रेम पूर्वक सुनो, बहुत प्रीति पूर्वक सुनो, बहुत प्रेम पूर्वक सुनो, बहुत रुचि से चख लो, बिल्कुल एकदम बिल्कुल मीठी मीठी वाणी है ये, रस रसवंत वाणी है। क्या कह रहा है आचार्य भगवान? कि आपको जितनी उदासी है, जितना हताशपना है, आपको जितना दुख महसूस हो रहा है, अज्ञानता का, मोह का, राग का, ये जितना भी दुख आपको महसूस हो रहा है, ये दुख इसलिए है क्योंकि आपको आपके अंतर में उत्पन्न आपका जो अनंत शोर है, आपके अंतर में उत्पन्न जो आपका अनंत वीर है, जो उत्पन्न हुआ है श्रद्धान ज्ञान के रूप में, जो श्रद्धान ज्ञान के रूप में आपके हृदय में प्रस्फुटित हुआ है, वो श्रद्धान ज्ञान के रूप में जो आपका अनंत पुरुषार्थ आपके अंदर प्रस्फुटित हो चुका है, जो अनंत चेतन शक्ति आपके अंदर प्रस्फुटित हो चुकी है, आप उस स्वभाव के बहुमान से अनजान, उस अनंत शक्ति के बहुमान से आप अनजान, उस परम सत्य के स्वाभिमान से आप अनजान। और यदि आपको तत्क्षण उस जिन भगवान के वचनों का बहुमान आ जाए, आह मैं आद्य मनादि शुद्धम, मैं आद्य मनादि शुद्धम, ऐसी हुलक आ जाए अंदर से, उठ एकदम उछल के आ जाए, मैं आदि अनादि शुद्ध हूँ, मैं आदि अनादि शुद्ध हूँ, मैं आदि अनादि शुद्ध हूँ, पर्याय परिणामन से रहित मैं आदि अनादि चेतन मैं ध्रुव शुद्ध परमात्मा हूँ। यदि ऐसी हुलक आपके अंदर से निकल के आ जाए तो सबसे पहले जो दुख बना हुआ आपको, जो आकुलता बनी हुई ना, पहले वो क्षय होगी। और जब वो दुख क्षय होगा, जब वो आकुलता क्षय होगी, या जब वो आपको विकल्प क्षय होगा, अर्थात क्षय होने के बाद सामने से हटेगा, अर्थात उस समय की के लिए उपयोग के सामने से जब वो विकल्प हटेगा, कौन सा विकल्प? वो दुख रूप विकल्प, अज्ञानता रूप दुख रूप विकल्प, जब वह दुख रूप विकल्प हटेगा, जब आप जान पाओगे आह वो प्रकाशमान स्वभाव तो अभी मेरे अंदर प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान अपनी ज्ञान की अभेदता को जान पाए, ज्ञान अपनी ज्ञान की ज्ञायक में अभेदता को जान पाएगा, अहो 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 ये दुख तो एक कल्पना है। ये भाई साधक को भी दुख लगता है। अरे साधक को जो दुख लगता है, मैं कितने बार बता चुका हूँ, साधक को जो अज्ञानता का दुख लगता है, वो अज्ञानता दुख का दुख उसके मन के स्तर पर रहता है, उसके ज्ञान के स्तर पर नहीं रहता। क्योंकि ज्ञान प्रमाण सुख है, ज्ञान प्रमाण दुख नहीं। हाँ तो भाई साधक को जो मन की अशुभ प्रवृत्तियों का दुख लगता है, या मन की विकल्पों की प्रवृत्तियों का जो दुख लगता है, भाई वो साधक के मन में वो दुख तो होता है ना। हाँ वो साधक के मन में वो दुख चलता है, लेकिन वे दुख अज्ञानता रूप दुख है, पूरा ज्ञान रूप दुख है। भाई वो दुख कैसे बिलाएगा? भाई वो दुख बिला जाएगा, उसकी चिंता मत करो, ना उस दुख को हटाओ, ना उस दुख को बदलो, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, वो तो लगेगा, वो तो वो रहेगा, वो दुख तो जितनी देर रहना उतनी देर रहेगा। लेकिन भगवान जी आप तो तत्काल 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 जिन भगवान ने जो वचन दिए हैं उनकी हृदय से स्वीकारता करो आप, अहो 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 मैं तो परस परम पौरुषवान परम अनंत चतुष्टय में सत्ता अनंत वीर का स्वामी, मैं तो ध्रुव शुद्ध चेतन में आत्मा। जैसे ही आपके ज्ञान में ये आपका जागरण आएगा,
जैसे आपके ज्ञान में उजागरण पना आएगा, तो भाई जैसे जैसे ही थोड़ा सा ज्ञान जागृत होगा तो फिर मन, जैसे ज्ञान जागृत होगा तो मन में फिर और सुप्रवृत्ति नहीं पोसाएंगी, फिर और विकल्प नहीं पोसाएंगे बुद्धि में मन में। भाई अब ये बात और समझ लो, जब आत्मा जागृत होती है, आत्मा जागृत होती है, आत्मा विवेक जागृत होता है, तो आत्मा के विवेक के साथ आत्मा की चेतन शक्ति मन में भी बह रही है, आत्मा की चेतन शक्ति बुद्धि में भी बह रही है। जब जीव जागृत होता है, जब साधक जागृत होता है, तो साधक की चेतन शक्ति इस पूरे शरीर में बह रही है। और विशेष रूप से जीव को कहाँ जानने में आती है, विशेष रूप से जीव को विकल्प रूप में, मन के संकल्प विकल्प के रूप में, बुद्धि के चिंतन के रूप में जानने में आती है। तो अब आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा की जो शक्ति है वो मन में बह रही है, वो बुद्धि में बह रही है। तो भैया क्या का क्या होगा, अब जब अब आत्म स्वभाव को जानोगे, आत्म स्वभाव को जानोगे, आत्म स्वभाव का सिद्धांत प्रगाढ़ होगा, अंतर से विवेक की जागृति होगी, तो मन बुद्धि में भी जो चेतन शक्ति बह रही है ना, वो चेतन शक्ति मन बुद्धि में भी बह रही है, तो मन बुद्धि को भी वो चेतन शक्ति क्या खाएगी, नहीं ये अशुभ में मत लगो, ये परपर्याय में मत लगो, तुम सम्यक चिंतन में लगो, स्वभाव की प्रतीति में जाओ, ये विकल्प अच्छा नहीं लग रहा है, विकल्प अच्छा नहीं लग रहा है, मन के विकल्प, मन में चलने वाले मन के विकल्प, मन को ही अच्छा नहीं लग रहा है, बुद्धि में चलने वाली बुद्धि का चिंतन, बुद्धि को ही अच्छा नहीं लग रहा, संयोग रूप जो चित्त में झूल रहा है ना, चित्त में पुद्गल पर्याय परिणमन आकृति पुत्र परिवार धन संपदा लोभ स्वार्थ काम अहम, ये जो चित्त में जो परिणाम झूल रहा है ना, पुद्गल के परिणाम, पुद्गल भी झूल रहा है, पुद्गल आकार आकृति भी झूल रही है, और पुद्गल के परिणाम भी झूल रहा है। तो अब वो चेतना की विशुद्धता होने से, आत्म जागरण होने से, अब वो चित्त को, वो चित्त को, वो जो चित्त को, वो चित्त है ना, जो चित्त, वो चित्त को ये चित्र अच्छे नहीं लगेंगे, संकल्प विकल्प के चित्र अच्छे नहीं लगेंगे, वो चित्त को ही संकल्प विकल्प के चित्र अच्छे नहीं लगेंगे। भैया वो चित्त तो पहले, भैया वो चेले पहले वो चित्त तो इन संकल्प विकल्प में मस्त था, इस पुद्गल को देखने में मस्त था, और उस चित्त को ये विकल्प अच्छे क्यों नहीं लग रहा भैया, अभी पर्याय के चित्र अच्छे क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि जागरण हुआ है, जागरण तो जब चेतना जागृत हुई है तो वो चेतना ही तो बह रही है, मन में, वचन में, काय में, चित्त में, वो चेतना ही तो बह रही है। भाई क्या होगा अब, क्या होगा कि वो चेतना इनके साथ बह रही है, मन वचन काय के साथ, तो अब वो चेतना कहेगी कि ये मेरा परिणमन नहीं है, ये अशुभ जो चल रहा है, ये शुभ अशुभ जो परिणमन चल रहा है कर्मों का, ये मेरा परिणमन नहीं है, विकल्प जो चल रहा है मेरा परिणमन नहीं है, वो दुख महसूस करेंगे, वो किस काय काय कारण दुख महसूस करेंगे, मन बुद्धि चित्त है ये, इन काय कारण दुख महसूस करेंगे, क्योंकि परिणमन बदल रहा है ना। देखो देखो, मैं चेतन में अखंड ध्रुव सत्ता हूं, मेरा परिणमन ध्रुव शुद्ध है, अब मेरे जब मेरा निर्मल सिद्धांत ज्ञान जागृत हो रहा है तो मिथ्या सिद्धांत ज्ञान का परिणमन बिला रहा है, अब जब सम्यक सिद्धांत ज्ञान चायत का परिणमन जागृत हो रहा है, सम्यक सिद्धांत ज्ञान चायत का परिणमन आ रहा है, सम्यक परिणतियां उत्पन्न हो रही है, तो मिथ्या परिणति हट रही है, और मिथ्या परिणतियां बिला रही है, तो सम्यक परिणतियां मन बुद्धि चित्तहम में तो आ रही है, अब जब सम्यक परिणतियां मन बुद्धि चित्तहम में आएंगी तो मन बुद्धि चित्तहम भी कहेंगे हटो हटो, बाहर से हटो हटो हटो, इधर उधर से हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ, कुछ नहीं करना अपने को, ऐसी भावना उत्पन्न होने लगेगी, ऐसा पुरुषार्थ उत्पन्न होने लगेगा कि हमें नहीं जुड़ना है इससे, हमें नहीं लगना है, हमें नहीं करना, ये परिणति है, ये भावना है, ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लगेगी, पर्याय में दुख लगने लगेगा, ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लगेगी, पर्याय में दुख उत्पन्न दुख लगने लगेगा, पर्याय से हटने का, पर्याय में जुड़ने का भाव, अर्थात अज्ञान से जुड़ने का भाव, बिल्कुल ऐसा लगेगा हाँ अज्ञान हटाओ हटाओ, अज्ञान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अज्ञान, नहीं चाहिए अज्ञान, नहीं चाहिए, किसको लगेगा, मन को ही लगेगा, काय के बल पे लगेगा, विवेक की जागृति के बल पे, विवेक काय के बल, काय विवेक कैसे जागृत होगा भैया, अपने ज्ञान स्वभाव की निष्ठा से, ज्ञाय ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा विश्वास से, ठीक है क्लियर यहाँ तक भैया, वो विवेक को जो जागरण हुआ है उसको लगेगा क्या, हटाओ इन सबको, हटाओ हटाओ, अज्ञानता नहीं चलेगी, एक समय की अज्ञानता नहीं चलेगी, हटाओ बिल्कुल अलग करो, राग नहीं चलेगा, मोह नहीं चलेगा, द्वेष नहीं चलेगा, कर्तव्य भाव नहीं चलेगा, संसार में कोई फालतू उपद्रव नहीं चलेंगे, चलो चलो अच्छे रहो, वो ऐसी भावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि परिणमन तो कर्माधीन रहेगा, ये भी सुनो, सिर्फ ऐसी भावनाएं होंगी, हाँ ऐसा चिंतन होगा, शरीर का परिणमन नहीं बदलेगा, पुद्गल शरीर का परिणमन नहीं बदलेगा, हाँ जो उनके जो विकल्प चलते रहते हैं संयोग के, वो विकल्पों का परिणमन हट जाए,
और विकल्पों का परिणाम आएगा तो फिर ये मन बुद्धि चित्त अहम दुख कहीं इन्हें हटाने का पुरुषार्थ, कहीं इनसे बचने का पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषार्थ करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन भैया ये सारा पुरुषार्थ जो हो रहा है ये सब विवेक के खाते में जा रहा है, सब विवेक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि विशुद्धता उत्पन्न हो रही है। विशुद्धता कहाँ से उत्पन्न, कहाँ उत्पन्न हो रही है? परिणतियों में, पर्याय परिणमन में विशुद्धता उत्पन्न हो रही है, इसलिए सारा काम हो रहा है। पर्याय परिणमन में विशुद्धता उत्पन्न हो रही है, पर्याय परिणमन में विशुद्धता उत्पन्न हो रही है, इसलिए सारा काम चल रहा है। भगवान पर्याय परिणमन शुद्ध हो रहा है, आत्मा मोक्ष जा रही है, ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व स्वभाव में जा रही है, आत्मा अपने श्रेष्ठ चेतन स्वभाव में समा रही है, आत्मनिर्वाण की ओर जा रही है। तो आत्मनिर्वाण की ओर जा रही है तो सारी परिणतियां शुद्ध हो रही है, सारे परिणाम शुद्ध हो रहे हैं, सारा उपयोग शुद्ध हो रहा है, सारी अवस्थाएं शुद्ध हो रही हैं, सारी विशुद्धियां उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन हे प्रभु, हे ज्ञायक, हे जाननहार, इस समय भी एक बात बता दो, तुम कहां हो? इस समय भी तुम कहां हो? इस समय भी तुम कौन हो? मैं तो वो तिंकोत्कीर्ण श्रेष्ठ स्वभाव आद्यम अनादि शुद्धम ही हूं। इस जीव की दृष्टि चेतन में ही स्वभाव पे नहीं थी, जीव की दृष्टि चेतन में ही स्वभाव पे ना होने के कारण से, जीव की दृष्टि अपने चेतन में ही स्वभाव पे ना होने के कारण से वो चतुर्वती 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा था, इस संसार में भटक रहा था, इस 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा था। 84 लाख योनि परिभ्रमण क्यों कर रहा था? सिर्फ एक इतना सा कारण, कि इसकी दृष्टि उस अनादि अनंत सत्ता पे नहीं थी, इसकी दृष्टि उस अभेद चेतन में स्वभाव पे नहीं थी। भैया मात्र दृष्टि उस अभेद चेतन में स्वभाव पे ना होने के कारण भटक रहा था ये जीव, मात्र दृष्टि चेतन में स्वभाव पे ना होने के कारण भटक रहा था ये जीव। भगवान बहुत सूक्ष्मता से ग्रहण करो इस बात को, मेरा दर्शन दर्शन में परिणमित हो रहा है, मेरा ज्ञान ज्ञान में परिणमित हो रहा है, मेरे अनंत चेतन गुण मेरे अनंत चेतना में परिणमित हो रहा है, मेरी आत्मा का अनंत वीर अनंत पुरुषार्थ मेरी आत्मा में परिणमित हो रहा है। लेकिन भगवान जी इतनी सी बात है, अनंत गुण अनंत में परिणमित होते हुए भी आज ये संसार में क्यों है? क्योंकि अपनी दृष्टि मात्र उस अनंत सत्ता पे नहीं है, बस इसलिए संसार। तो भैया आज क्या करना है? आज कुछ नहीं करना तुम्हें, अनंत पुरुषार्थ के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अनंत पुरुषार्थ के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना। तो भैया क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, पहले इस बात को स्वीकार करो कि मेरी आत्मा का अनंत पुरुषार्थ मेरे अंतर में चल रहा है, पहले इस सत्य को स्वीकार करना है, मेरी आत्मा का अनंत पुरुषार्थ मेरे अंतर में चल रहा है, कोई क्रिया में पुरुषार्थ नहीं है, कोई कांड में पुरुषार्थ नहीं है। अरे ये जो होने वाली परिणतियों की विशुद्धि है ना, ये होने वाली परिणतियों की विशुद्धि ये परिणमन रूप परिणति रूप पुरुषार्थ है, अर्थात ये पुरुषार्थ स्वतंत्र हो रहा है। तो ये पुरुषार्थ स्वतंत्र कैसे हो रहा है? परिणति रूप पुरुषार्थ, ये पर्याय परिणमन रूप जो परिणति रूप पुरुषार्थ हो रहा है, ये पुरुषार्थ स्वतंत्र कैसे हो रहा है? हाँ, ये पुरुषार्थ भी बिल्कुल स्वतंत्र हो रहा है। इस पुरुषार्थ का स्वामी भी मेरा आत्मा नहीं है, इस पुरुषार्थ का करने वाला ही मेरा आत्मा नहीं है, ये पुरुषार्थ भी बिल्कुल स्वतंत्र हो रहा है। जो परिणति रूप पुरुषार्थ हो रहा है, विशुद्धता रूप जो परिणति आई है, जो तुम्हें स्वभाव की जो सम्यक श्रद्धान प्रकट हो गया ना, ये पुरुषार्थ भी बिल्कुल स्वतंत्र हो रहा है। भैया कैसे हो रहा है? भैया वो जो तुम्हारी स्वभाव में जो अभेदता आई है उसके बल पे हो रहा है। एक 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 अंतर हृदय से समर्पणता का भाव लेके आओ आप, एक अंतर हृदय समर्पणता का भाव लेके आओ, एक अंतर हृदय समर्पणता का भाव लेके आओ कि मेरा अनंत पुरुषार्थ मुझमें हो रहा है। जितना गहरी समर्पणता होगी आपकी सत्य की, जितनी गहरी समर्पणता होगी आपकी सत्य की, उतना गहरा आपका ज्ञान उछल जाएगा। जितना गहरा आपका ज्ञान उछल जाएगा, उतने जो संस्कार चल रहे हैं ना, जो जीव के अनादिकालीन संस्कार है, जो जीव को अपने स्वभाव जैसे प्रतीत हो रहा है, राग देश मोह अज्ञान, ये सारे संस्कार इसी से बिलाएंगे, आत्म जागृति इसी से होगी, हितकारी ज्ञान इसी से प्रकट होगा कि आपको कितना विश्वास है कि मेरा पुरुषार्थ तो मुझमें ही चल रहा है। आप अपने गुणों के लिए कितने समर्पित हैं,
पर्यायों के लिए नहीं, परिणमन के, परिणमन के लिए नहीं, पर्याय परिणमन के लिए नहीं, संसार में चलने वाले पर्याय परिणमन के लिए नहीं। आप अपने गुणों पर कितने समर्पित हैं, आप अपने चेतन में गुणों पर कितने समर्पित हैं। आपकी आत्मा अनंत गुणमयी है, और आपकी आत्मा अनंत गुणमयी है, और वह अनंत गुणमयी आत्मा अनंत काल से अपने अनंत गुणों में ही परिणमित हो रही है। आपकी आत्मा स्वयं अनंत गुणमयी है, और वह अनंत गुणमयी आत्मा अनंत काल से अपने अनंत गुणमयी परिणमित हो रही है। सही में, हाँ बिल्कुल 100% सत्य है कि मेरी आत्मा अनंत गुणमयी है, और उस आत्मा का अनंत गुणों का परिणमन अपने अनंत गुणोंमयी हो रहा है। भैया मेरा आत्मा अनंत गुणमयी है, मेरे आत्मा के अनंत गुणों का परिणमन मेरे आत्मा के अनंत गुणमयी हो रहा है, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित कहाँ से उत्पन्न हो रहा है कि ये तो मेरे गुणों का आचरण नहीं है। भैया ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये जो एक जो विभाव की झिल्ली निकल रही है ना, ये जो जितना ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित का जो परिणमन हो रहा है ना, ये पूरा परिणमन मात्र एक विपरीत दृष्टि होने से कारण से हो रहा है। ऐसे समझो यदि तुम हेलोजन का मुंह उत्तर दिशा में करोगे तो उत्तर दिशा प्रकाशित होगी, और हेलोजन का मुंह पश्चिम दिशा में कर दोगे तो बस पश्चिम दिशा प्रकाशित होगी। ऐसे ही एक दे उदाहरण, ऐसे ही दृष्टि तुम्हारे अनादिकाल से आत्मा से बाहर है। अनादिकाल से जीव की दृष्टि आत्मा से बाहर है, अनादिकाल से जीव की दृष्टि आत्मा से बाहर है, जीव के उपयोग की दृष्टि अनादिकाल से आत्मा से बाहर परपतगल की तरफ होने से जीव का अनादिकालीन परिणमन विभाव रूप चल रहा, अनादिकालीन परिणमन विभाव रूप चल रहा। और एक बार जीव की दृष्टि का फोकस चेंज हो जाए, एक बार जीव की दृष्टि का फोकस चेंज हो जाए, जीव की दृष्टि का फोकस अंतरोन्मुख हो जाए, जीव की दृष्टि का फोकस अपनी अंतरात्मा की ओर हो जाए, यदि एक बार जीव की दृष्टि का फोकस अपनी अंतरात्मा की ओर हो गया, तो उस अंतरात्मा में अनंत चतुष्टय का पुरुषार्थ इसी समय बरत रहा है, बरत रहा है और बरत रहा है। अपनी अंतर चेतना में, अपनी अंतर आत्मा में, अपने अंतर स्वरूप में अपने अनंत पुरुषार्थ का अभाव आज तक नहीं हुआ। स्वीकार करो आत्मन, हृदय से स्वीकार करो, मेरी अंतर आत्मा में, मेरी अंतर चेतना में, मेरे अंतर स्वरूप में, मेरे अंतर चेतन में स्वरूप में मेरी अनंत चेतना का अभाव आज तक नहीं हुआ। मैं तो आदि अनादि शुद्ध तिंकोत्कीर्ण चेतनमयी परमात्मा ही हूं। अंतरात्मा स्वीकार करो इस सत्य, इस परम पुरुषार्थ को, इस सत्य को अंतरात्मा से स्वीकार करो। आप क्या होगा भैया, यदि अंतर हृदय से आपकी इस सत्य की स्वीकारता होगी, अंतरात्मा से यदि आपको इस सत्य की स्वीकारता होगी, तो ऑटोमेटिक अपने आप आपका उपयोग जो पर पर्याय परिणमन में भेरा है, जो पर में दुखी होने में लगा हुआ है, उस उपयोग को अपने स्वभाव का बहुमान आएगा। भैया तो जितना अभेद स्वभाव का बहुमान आएगा, जितना ज्ञान स्वभाव, जितना आत्म स्वभाव से अभेदता बढ़ेगी, बुद्धिगत नहीं हृदय की स्वीकारता, बुद्धि से नहीं कि हाँ केरी हमें भगवान आत्मा और निकल लिए फिर ये कच्चु काम ही नहीं, वो नहीं। जितनी हृदय से स्वीकारता बढ़ेगी, जितनी अंतर हृदय से स्वीकारता बढ़ेगी, जितनी गहरी अंतर हृदय से स्वीकारता बढ़ेगी, उतना ही अपने आप सारे विकल्पों का समन हो जाए, सारा दुख अपने आप मिला जाए, और जो अनंत पुरुषार्थ है ना अपना, अनंत पुरुषार्थ वो अपनी दृष्टि में आएगा। अच्छा बताओ, श्रद्धा जागृत हुआ नहीं हुआ, ज्ञान जागृत हुआ नहीं हुआ, सम्यक का अंकुरण हुआ है नहीं हुआ? तो जब सम्यक का अंकुरण हुआ है, श्रद्धा ज्ञान जागृत हुआ है, तो उस हृदय में अनंत वीर है या नहीं है? अनंत पुरुषार्थ, अनंत पुरुष है या नहीं है? अनंत चेतनमय सत्ता है या नहीं है? भैया जब अनंत का पुरुषार्थ जागृत हुआ है, जब श्रद्धा ज्ञान जागृत हुआ है, जब श्रद्धा ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, तो अनंत पुरुष उस अंतर हृदय में अभी जहां का तहां है। बस जीव को, इस जीव आत्मा को उस परम पुरुषार्थ को देखने की रुचि नहीं लगती, बस इतनी सी अज्ञानता है।
जीव को उस हुए अंकुरण पे, उस अपने अंतर में उत्पन्न हुए अनंत पुरुषार्थ पे, जो अपना अनंत पुरुषार्थ है, अपने अंतर आत्मा का जो अनंत पुरुषार्थ है, अपनी अंतर सत्ता का जो अनंत पुरुषार्थ है, उस अनंत पुरुषार्थ को देखने की अनंत रुचि नहीं लगती जीव को। ये फिर काय की रुचि लगती है? इस जीव को लगती परपराया का देखने की रुचि। ये मन वचन काय में जो परिणति उत्पन्न हो रही ना, विशुद्धता की जो परिणति उत्पन्न हो रही ना, उसे देखने की रुचि लगती है। वो परिणति पुरुषार्थ रूप दिखने लगती है। देखो देखो बैराग की भावना हो रही, पुरुषार्थ हो गया। देखो देखो ज्ञान में अज्ञानता का, मन में चित्त में अज्ञानता को हटाने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, वो भाव मेरा पुरुषार्थ, ऐसा समझने लगता है जी। नहीं भगवान, वो भाव तुम्हारा पुरुषार्थ थोड़ी ना है, वो भाव व्यवहार पुरुषार्थ है। ये नहीं कह रहा पुरुषार्थ नहीं है, वो शुद्धता का अंकुरण जो हो रहा है, शुद्ध परिणति जो उत्पन्न हो रही है, वो व्यवहार पुरुषार्थ है। लेकिन निश्चय सत्य को तो स्मरण में लाओ। क्या अप्पा अप्पामी रहियो, आत्मा तो आत्मा में ही निवास कर रहा है, आत्मा का तारण हार तो आत्मा ही है, आत्मा में आत्मा का अनंत प्रसाद प्रति समय परिणमित हो रहा है, ये आत्मा ही आत्मा का तारण हार है। इस आत्मा को किसी अन्य परिणय परिणमन की आवश्यकता भाई, इसमें जीव स्वच्छंदी नहीं हो जाएगा भैया? स्वच्छंदी नहीं, ये सत्य यदि जीव पी जाएगा तो इस सत्य में जीव स्वच्छंदी नहीं, इस सत्य में जीव अनंत प्रसाद को उत्पन्न कर लेगा। अनंत प्रसाद मन वचन काया इनके परिणमन से छूट जाएगा, छूट जाएगा अर्थात उसे भिन्नता रूप, अर्थात जो उसको प्रमाद रहता ना इनमें जुड़ने रूप, आकुलता रूप, जो विकल्प बने रहते हटना हटना हटना, ऐसे जो द्वंद्व बने रहते हैं, वो हटने हटने के विकल्प हट जाएंगे और सही में हट जाएगा, वो वहां से ज्ञान सही में हट जाएगा। उन पर्याय से, उन पर्याय के भेद से, उन पर्याय परिणमन के भेद से, उन पर्याय परिणमन की कल्पना से, उन पर्याय परिणमन के नाना प्रकार के भेद जो है, पर्याय परिणमन की जो नाना प्रकार की कल्पना है, उस पर्याय परिणमन के भेद से, उस पर्याय परिणमन की कल्पना से वह जीव अपने आप ही हट जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। कैसे हट जाएगा? ये मूल बात है कि कैसे हट जाएगा। अरे जब उसे ये बोध आएगा कि अप्पा अप तारम, आत्मा ही आत्मा को तारने वाला, ये भैया आत्मा आत्मा का तारणहार है। अभी कहा था हम पूरी नहीं बोल पा रहे, अप्पा अप तारम, ये अप्पा अप तारम नहीं है। गुरु माया ने ऐसा कुछ जो दिए वो कहा था, याद नहीं आ रही, लेकिन ये उसका भावार्थ यही है, आत्मा ही आत्मा का तारणहार, आत्मा ही आत्मा का तारण, आत्मा ही आत्मा का तारण। क्या क्यों तारण हार है आत्मा ही आत्मा का? क्योंकि भैया आत्मा अपनी आत्म अनंत शक्तियों से भरा पूरा है, आत्मा अपनी आत्मिक अनंत शक्तियों से भरा पूरा है, उसका किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है। एक बार निसंक होके, एक बार निर्भय होके इस सत्य को अंतर हृदय से धोरा, एक बार निसंक होके, एक बार निर्भय होके इस सत्य को अनंत हृदय से दोहराओ, इस सत्य को अनंत अनंत श्रद्धा से अंतर हृदय से दोहराओगे तो अपने आप जो विकल्प तुम्हारे पास बने हुए हैं और जो दुख तुम्हारी आत्मा में बना हुआ है, वो दुख क्यों टूटेगा, वो दुख टूटेगा और तत्काल स्वभाव का प्रकाश होगा, तत्काल स्वभाव का प्रकाश होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो अनंत प्रकाशवान स्वभाव वो तुम्हारे अंदर उदित हो चुका है, स्वानुभूति रूप उदित हो चुका है, श्रद्धान रूप उदित हो चुका है, ज्ञान अंकुरण रूप उदित हो चुका है। अब वह जब तुम्हारे श्रद्धान ज्ञान रूप उदित हो चुका है तो तत्काल तुम्हारी आत्मा में उस परम सत्य का प्रकाश होगा, तत्काल तुम्हारी आत्मा एकदम समस्त विकल्पों से, बिल्कुल द्वंद्व को छोड़ के एकदम मुक्त हो जाएगी। अहो मैं तो आद्य अनादि शुद्ध, मेरा किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? संबंध है ही नहीं, पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है। जब तक बुद्धि कहती रहती ना, जब तक जीव को अपने ज्ञान का प्रसाद दिखाई नहीं देता, अर्थात जब तक उस जीव का ज्ञान नाना प्रकार की मिथ्या परिणतियों में रहता और कहता रहता मैं शुद्ध आत्मा, लगा उपयोग अशुद्ध भाव में रहता है, लगा उपयोग पुण्य पाप की संस्कार लोभ में, स्वार्थ में, कर्ता में, क्रोध में, काम में, जो जीव का स्वभाव बन गया ना अनाधिकाल से, कर्तत्व भोक्तत्व ममत्व लगा इसी में रहता है, कर्मधाराओं के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और चिल्लाता रहता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा।
भैया जब यही बात अंतर स्वीकारता से जीव बोलता है, जब यही बात अंतर स्वीकारता से बोलता है, अंतर हृदय की ओर गहराई से बोलता है, श्रद्धान ज्ञान में प्रबुद्ध होकर बोलता है, जब यही सत्य वह अंतर में श्रद्धान ज्ञान में प्रबुद्ध होकर बोलता है, तब तब जो थोड़ा जो उसके पास प्रमाद है वो तो प्रमाद हटके बोलता है। जब प्रमाद हटके बोलता है ना, तो फिर ये साधना का विषय आ जाता है। पूरा कैसे साधना का विषय आ जाता है, फिर वही 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 विशुद्ध परिणति उत्पन्न होती मन में, बुद्धि में, चित्त में, वह अज्ञानता से हटने का भाव आता है, अज्ञानता का दुख लगता है, सब कुछ होता है, सब कुछ सहज होता है। अज्ञानता का दुख भी लगता है, अज्ञानता का भाव का से हटने का भाव भी आता है, अज्ञानता को तिरस्कार करके उपेक्षित करने का भाव भी आता है। और ये परिणतियाँ सब करती हैं, ये सब ये सारा काम परिणतियाँ करती हैं, ये सारा काम परिणतियाँ करती हैं। तो भैया ये सारा काम परिणति करती हैं, ऐसा हटने का भाव भी आता है, तो फिर अरे भैया, तो भैया फिर क्या, फिर वो मोक्ष मार्ग चलता है उसका जी, मोक्ष मार्ग चलता है उस जीव भैया। अब मोक्ष मार्ग चल रहा हो जीव का, तो भैया अभी हमें ऐसा नहीं हो रहा भैया, हमें दुख नहीं लग रहा, हमें जागृति नहीं आ रही, हम दुख लगाने की कोशिश कर रहे, हमें दुख हो ही नहीं रहा, बुद्धि से नहीं होगा। तुम दुख लगाना चाहोगे, तुम जानबूझ के चिंतन करोगे संस्कार पूर्वक, हमें भी दुख लग जाए, हमें भी दुख लग जाए, हमें भी दुख लग जाए, हमें भी चोट लग जाए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये अपने आप ही होता है। तुम ये सुनो, ये अपने आप ही होता है, ये अपने आप ही होता है, करने से नहीं होता। हमें दुख नहीं लग रहा, हमें दुख क्यों नहीं लग रहा, हमें दुख क्यों नहीं हो रहा, ये अपने आप होता है, तुम्हारे करने से नहीं होता। अगर तुम दुख को खोजने चले जाओगे तो तुम ना यहाँ कहीं और डूब जाओगे, तुम कोई और अज्ञान का पोषण करने लगोगे, फिर क्या करें हम। तुम तो बुद्धि के प्रमाद को छोड़ के, अपने अज्ञानता के प्रमाद को छोड़ के, और जिन्हें दुख लग रहा है वह भी दुख को भी छोड़ के, एक अंतर हृदय की आवाज अंतर हृदय से कहे कि मैं ध्रुव त्रिकाली परम तत्व परमात्मा ही हूं। कहना कहे कहे, ये मुंह से कहना पड़ रहा है इसलिए कहना पड़ रहा है कहे, लेकिन मां तो जब अंतर आत्मा ऐसी बात खुद कहती है, अंतर हृदय यह बात खुद कहता है, तो भगवान जी जब अंतर हृदय यह बात कहता है, जब अंतर आत्मा यह बात कहती है, तो अपने आप ही उपयोग पर परिणतियों से विरक्त होके स्वयं 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 स्वयमेव तत्वम, स्वयं स्वयमेव तत्वम, मैं तो शुद्ध चैतन्यमय निराकार परमात्मा हूं, इस अनंत वीर में उछल जाता, इस अनंत वीर में उछल जाता है, इस अनंत सत्य में उछल जाता है, इस अनंत सत्य का सहकार कर लेता है, इस अनंत सत्य का, इस अनंत चतुष्टय में जो अनंत स्वभाव है, इस अनंत चतुष्टय में अनंत सत्य का सहकार कर लेता है, सहरा बांध लेता है, अपने ज्ञान का मुकुट धारण कर लेता है। अहो अहो अहो, मैं तो ज्ञायक ज्ञानमय वीतराग स्वरूप वाला परमात्मा ही हूं। भैया सम्यक ज्ञान क्या है भैया? ये सम्यक ज्ञान उस अखंड ज्ञान स्वभाव से प्रकट हुआ परिणाम है, जो कहां उत्पन्न होगा भैया, जो उपयोग के परिणाम में मन बुद्धि चित्त अहम के साथ प्रकट होता, चेतना के साथ बेहता हुआ दिखाई देगा। कैसा बेहता हुआ दिखाई देगा कि उपयोग जब इन संस्कारों और राग आदि भाव में बहेगा, अर्थात ये धाराएं आएंगी जब राग देश राग की मौन मोह की ममत की, तो वो सम्यक ज्ञान कहेगा वस्तु स्वरूप ये है और ये तुम्हारा परिणाम नहीं, परिणति रूप चिंतन रूप सहकार रूप ये आएगा वहां, परिणति रूप भावना रूप ये तुम्हारा परिणाम नहीं। तो भैया क्या करना पड़ेगा भैया, जब ये अंतर से आवाज आएगी मेरा परिणाम नहीं है, मैं इससे भिन्न हूं, तो वो क्रोध काम आदि लोभ स्वार्थ आदि सारे भाव को कर्तव्य भोक्ता भाव को छोड़ के वे उपयोग में जहां स्वयं में स्वयं का संबोधन मिलेगा, स्वयं में स्वयं की जागृति मिलेगी, तो वे उपयोग इन सारे प्रपंचों को सारे गोरख धंधों को छोड़ के वे उपयोग अपने चैतन्यमय 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 अपने चैतन्यमय लक्षण में ही विलास करेगा। अभेद ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की अनंत निष्ठा से अपने चैतन्यमय स्वरूप में निवास करेगा, ये निवास करेगा अर्थात वहीं जानेगा अपने आप को, वहीं जानेगा अपने आप को, वहीं जानेगा अपने आप भाई। दुख मुख का क्या होगा, ये सब बिला जाएंगे, कहने सुनने का क्या होगा, सब बिला जाएंगे, जो चिंतन मिंतन चलेगा वो भी सब बिला जाएगा भैया। वो जो परिणतियाँ आएंगी वो परिणतियाँ जो शुद्ध शुद्ध आ रही हैं, वो परिणतियाँ जो विशुद्ध भाव आ रहे हैं वो और विशुद्ध होते जाएंगे, और अच्छे होते जाएंगे।
और आगे बढ़ता जाएगा, वो कभी नहीं रुकने वाले। भाई कोई कर्म की धारा आई तो, हाँ कर्म की धारा आई तो उन विशुद्ध परिणतियों में अंतराल आ जाएगा, उन विशुद्ध भावनाओं में अंतराल आ जाएगा, वो जो विशुद्ध परिणतियों में अंतराल आ जाएगा, जो विशुद्ध भावना में अंतराल आ जाएगा, वो ज्ञान में अंतराल कहलाएगा। कौन से ज्ञान में? ज्ञायक भाव परिणमन रूप जो ज्ञान का चल रहा था उस ज्ञान में अंतराल आ गया। ज्ञायक भाव रूप परिणमन में जो अंतर जो ज्ञान चल रहा था उसमें अंतराल आ गया, लेकिन अवैध ज्ञान स्वभाव में कोई अंतराल आने वाला नहीं है। और ज्ञानी साधक अभेद ज्ञान स्वभाव में रहता है, परिणमन वाले ज्ञान स्वभाव में गलत मां भी रहता। क्यों नहीं? क्योंकि अज्ञान स्वभाव वो है तो उसका परिणमन भी ज्ञान स्वरूप रूप चल रहा, वहां अज्ञान परिणमन में नहीं रहता। जागृति, हम श्रद्धांत की चर्चा नहीं कर रहा है, हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञानी की चर्चा कर रहा है। तुम श्रद्धांत से सुन रही हो इसलिए तुम्हें कहना पड़ा, तो इसलिए तुम्हें इसके मुंह से निकला क्या कि वो परिणति में नहीं रहता। तुम श्रद्धांत से पकड़ रही हो, वो ज्ञायक ज्ञान स्वभाव में रहता है, ज्ञायक ज्ञान स्वभाव में रहता है और ज्ञायक परिणति भी उसके साथ चलती है तो ही वो आनंद में रहता है। वो जहाँ कर्तव्य भोक्तत्व के परिणाम आए, जहाँ ज्ञान भाव आए, जहाँ ज्ञान में अंतराल आया, वहां तो उसको तुरंत दुख लगने लगेगा, वहां तो उसको तुरंत चित्त में दुख लगने लगेगा, वहां तो उसको तुरंत चित्त में दुख लगने लगेगा, वहां तो तुरंत उसको हृदय में दुख लगने लगेगा। हृदय में मतलब वहां तो उसके मन में दुखी लगने लगेगा, बुद्धि में विकल्प आने लगेगा। क्यों आने लगेंगे भैया? क्योंकि उसे अज्ञानता नहीं पुसाएगी, अज्ञानता नहीं पुसाएगी, अज्ञानता नहीं पुसाएगी, अज्ञानता नहीं पुसाएगी उसे, अज्ञान भाव नहीं पुसाएगा उसे। अज्ञान भाव चल जरूर रहा है लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, अज्ञान भाव चल जरूर रहा है लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, अज्ञान भाव चल जरूर रहा है, सुन लो, राग भाव चल जरूर रहा है, कर्तव्य भाव चल जरूर रहा है, मोह भाव चल जरूर रहा है, संसार में रह जरूर रहा है, कर्म धाराओं के बीच में रह जरूर रहा है, लेकिन उसका उससे कोई संबंध नहीं है। सिर्फ कहने के लिए नहीं कि कह दिया कि नहीं है, अर्थात वे उससे संबंध यदि उसे जुड़ता हुआ दिखाई देगा तो वो तुरंत अपने एक्टिविटी में आ जाएगा कि मेरा ये परिणाम, मेरा ये स्वरूप नहीं है, मेरा यह परिणमन नहीं है। जब मेरा ये स्वरूप नहीं है, मेरा ये परिणमन नहीं है, तो फिर मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है। वो तत्काल 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 जितनी पात्रता है, जितनी योग्यता है, जिसकी जितनी पात्रता है, वह तत्काल इन सबसे छूटने के लिए ललायत और उद्गमी होगा और तत्काल अपनी ज्ञायक ज्ञायक स्वभाव के पास जाएगा। और जैसे ही उसको, जैसे उसके कर्म ढीले पड़ेंगे या जैसे ही उसका तीव्र पुरुषार्थ होगा, जैसे ही वो ज्ञायक स्वरूप के पास जाएगा, तो भैया अपने ज्ञायक स्वभाव की निष्ठा के बल पे, ज्ञान स्वभाव की निष्ठा के बल पे, जैसे ही कर्मों का अंतराल टलेगा, वैसे उसके ज्ञान रूप परिणति फिर आ जाएंगे, सिद्धांत रूप परिणति वापस आ जाएंगे, उसकी आनंद रूप परिणति वापस आ जाएंगी, उसका चिंतन वापस आ जाएगा, उसका रोमांच वापस आ जाएगा, उसका आनंद वापस आ जाएगा, वे ज्ञानी साधक निकल जाएगा। कहाँ चले हम तो भगवान, कहाँ चली चलो न हो जिनेवर स्वामी अपने उदेशा। खत्म, कहाँ फालतू दिमाग खराब करेंगे, कब तक पर्याय के लिए रोएंगे, कब तक इन संसारियों में देख के कर्म आनेंगे भैया, कब तक राग देश में मरेंगे, हट, फालतू टाइम ही नहीं है, चलो अब तो विकल्पों का समय है ही नहीं, टाइम ही नहीं है, व्यस्त है वो, व्यस्त है वो काय में, अपने अनंत पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ कर नहीं रहा, ये भी लिख लो, अपने अनंत प्रसाद में व्यस्त है। कौन से अनंत प्रसाद में? उसकी चेतना ही उसका अनंत प्रसाद है। जानना देखना, स्वयं को जानना देखना, स्वभाव 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 और स्वभाव, जानन 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 और जानन, अभेद ज्ञान स्वभाव। ना वो रत्नत्रय के भेद को देखेगा, ना वो पर्याय परिणमन के भेद को देखेगा, उसे तो एक अभेद तिंकोत्कीर्ण गायक सत्ता रत्नत्रय पुंज परमात्मा, अनंत चतुष्टय में आत्मा, सुख सत्ता चेतन वीरमय, अपना परम पारिणामिक स्वभाव, जिसका किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहने की जरूरत भी नहीं, संबंध है ही नहीं।
जो पर पर्याय परिणमांस को बिल्कुल अनभिज्ञ है, अशुद्ध पर्याय परिणमांस जो बिल्कुल अनभिज्ञ है, वह परम शुद्ध वीतराग स्वरूप चैतन्यमयी आत्मा, चेतना लक्षणो धम्म, चैतन्यमयी आत्मा, चेतना लक्षणो धम्म, चैतन्यमयी आत्मा अद्यमनादिशक्ता। भैया ये तो बहुत ऊंची बात हो गई, अब तो ये ज्ञानी हो गया, ज्ञान को ज्ञान पसंद आने लगा, अज्ञान तो नहीं रुझ रही, ये तो भैया बहुत ज्ञानी साधक की दशा हो गई। भैया आपको सही बताएं, जी हमारी साधना का विषय आप सुन रहे हो, आप यहाँ तक हो या नहीं आप इसकी चिंता मत करो, आप तो इस सत्य को सुन के वो ही परम अखंड सत्य को पकड़ो जिसको हम पकड़ रहे हैं, अर्थात जो हमारे ज्ञान में बैठा हुआ, जहाँ हम बैठे हैं आप भी महा के बैठ जाओ, आपका भी ऐसा परिणमन जैसा हम यहाँ सुना रहे हैं वैसा परिणमन आपका भी प्रकट हो जाएगा। आप मेरी दशा से मत मुलाना दत्ता, मेरे पाँव पे पाँव रखने की कोशिश मत करना, मेरा विशेष होनार का पुरुषार्थ और आपकी विशेष होनार है, आप अपने अपने गुणों के अनंत पुरुषार्थ को देखना, आपकी विशेष होनार है, आपकी आपको भी ये जागृति अपने आप आ जाएगी, आपको भी जागृति अपने आप आ जाएगी। जो जागृति की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो जागृति चाहे ना मत करना, बेसा अनंत जागृति में आपका स्वभाव आपके पास अभी है, आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम भी इसी इसी रास्ते से आए हैं आगे निकल, लेकिन बस ये थोड़ी जल्दी आ गए, बस बात इतनी सी कि भगवान जल्दी आ गए, क्यों गुरुदेव का आशीर्वाद भैया, कितनी क्या बात है, आद्य मनादिशक्त, आद्य मनादिशक्त, आद्य मनादिशक्त, एक 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 डंके के अलावा हमने किसी दूसरे डंके को नहीं बजाया, बस ब्रह्म में चेतना ध्रुव 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 पर्याय, बस इतनी सी भर सावधानी रखी है कि पर्याय परिणमन का पक्ष नहीं होने दिया, बस किसी भी हालत में ना किसी संस्कार का ना किसी भाव का ना किसी अज्ञानता का पक्ष मत करना, अज्ञानता का पक्ष करे बिना ध्रुव को भजो, किसी भी पर्याय परिणमन का पक्ष करे बिना ध्रुव को भजो, अपने आप उपलब्धि होंगी, अपने आप उपलब्धि होंगी, अपने आप उपलब्धि होंगी, अपने आप सिद्धियां होंगी, और ऐसी अनंत सिद्धियां होंगी, ऐसी अनंत सिद्धियां होंगी कि जिसको तुमने कभी विचारों में भी नहीं देखा होगा, परम पारिणामिक भाव उत्पन्न हो जाएगा, परम भावदर्शी है, परम पारिणामिक भाव उत्पन्न हो जाएगा, परम भाव का स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा जिसमें परमात्मा का दर्शन होगा, परम पारिणामिक भाव में अपना अतीन्द्रिय आत्मा दिखाई देगा। भैया आपको परम पारिणामिक भाव उत्पन्न हो गया, देखो भैया परम पारिणामिक भाव मेरा स्वभाव है लेकिन अभी पर्याय में नहीं है, अभी तो मतलब आपको भी अभी परमात्मा स्वरूप नहीं दिख रहा, हाँ नहीं दिख रहा, दिख रहा मतलब दर्शन की शुद्धि, दर्शन नहीं हो रहा, स्पष्ट निराकार शुद्ध उपयोग नहीं हो रहा, ठीक है आप ये नहीं समझो कि शुद्ध उपयोग हो रहा, हमें भी नहीं हो रहा दर्शन, फिर भैया इतनी विशेष बात कैसे कह रहा हो। भैया हमने आपको क्या बताया, ज्ञान जो है वो श्रद्धान और चारित्र से परे है, अब ज्ञान दर्शन से ही परे है, इसलिए ज्ञान का जो स्वभाव का जो अभेदपना है उससे सब कुछ हो रहा है, ज्ञान स्वभाव की साधना से सब कुछ आ रहा है, इससे दर्शन उपयोग की सिद्धि, दर्शन उपयोग सहित ज्ञान उपयोग होता है, अब आप ज्ञान उपयोग की साधना कर रहे हो तो दर्शन उपयोग तो उसमें सहकारी बनी रहा है ना, इसलिए इसलिए अर्थात श्रद्धा तो वहाँ जमी हुई है ना, तो श्रद्धा वहाँ जमी हुई होने के कारण से ये ज्ञान अपने आप ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म रहस्यों को जान रहा है और ऐसी घेरी घेरी साधना स्वयं कर रहा है, अपने आप कर रहा है, ये याद रखो हो रही है, ज्ञान अपने आप ही वैसा परिणमित हो रहा है, ज्ञान की ऐसी परिणतियाँ प्रकट हो रही हैं, ज्ञान तो जैसा है वैसा ही, फिर नोट करो इस बात को, ज्ञान की ऐसी परिणतियाँ प्रकट हो रही हैं, कैसी परिणति प्रकट हो रही है, तो साधना भी हमने कही वैराग की, विरक्ति की, हटने की, दुख की, उन सब से छूट के स्वभाव में जाने की, सतर्क रहने की साधना, जितनी भी साधना कही ऐसी परिणतियां उत्पन्न हो रही है, क्यों हो रही है, अभेद ज्ञायक स्वभाव में होने से, याद रखो ज्ञायक भाव प्रकट हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभेद ज्ञायक स्वभाव के आश्रय होने से प्रकट हो रहा है, आश्रय कौन लिया है, उपयोग, क्यों लिया हुआ है आश्रय उपयोग, क्योंकि हृदय से स्वीकारता हुई है, श्रद्धान की प्रबलता आई है कि मैं वो आद्यम अनादि शुद्धम परमात्मा ही हूँ,
हृदय से ये सत्य स्वीकार होने के कारण से उपयोग पर पर्याय का आश्रय ना लेके अपने ध्रुव त्रिकाली परमात्मा का आश्रय लिया हो। जमा नहीं है उपयोग, अभी वहां रुक रुक नहीं रहा, जमा नहीं है, लेकिन उपयोग को सत्य मालूम है, सत्य की पहचान है, तो उपयोग वहां ही जाता है और कहीं नहीं जाता। जम जाएगा तो लीन हो जाएंगे, पक पक करने की जरूरत क्या बोलने की, बकबक करने की जरूरत कहाँ रहेगी। वहां अभी उपयोग सिर्फ जमा है, अपनी अपनी योग्यता में अपने उसमें अभी उपयोग जमा हुआ है, उपयोग जमा नहीं है, उपयोग पहचान रहा है, उपयोग जान रहा है, उपयोग सत्य को स्वीकार कर रहा है। तो भैया क्या हो रहा है, उपयोग जितनी गहराई से स्वीकार कर रहा है उतनी परिणति से विरक्त हो रहा है, उपयोग जितनी गहराई से अंतर से स्वीकार कर रहा है उतने प्रभाव से विरक्त हो रहा है। ये विरक्ति आती है, शुरू से यही चर्चा करके बता रहे थे, ये विरक्ति आती है, विरक्ति लानी नहीं पड़ती। भैया अब आपको आ रही तो हम क्या करें, देखो हम तो वो सत्य की चर्चा कर रहे हैं, हम विरक्ति की चर्चा नहीं कर रहे। आपको विरक्ति रूप परिणतियां लुभा रही होंगी, क्यों, क्योंकि आपको पर्याय की रुचि है, लेकिन आपको विरक्ति रूप पर्याय की परिणतियों की रुचि होने से आपको ये हमारी साधना लुभा रही होगी, लेकिन भगवान तुम साधना में ना लुभा के, ये साधना तो सहज साध्य है, साधना में ना लुभा के ए तुम साध्य को लुभा जाओ, तत्व की रुचि को लुभा जाओ, श्रद्धान में लुभा जाओ, अपने अवैध ज्ञान में जो श्रद्धान ज्ञान की पर्याय से ही पड़े, ऐसे अवैध ज्ञान स्वभाव में तुम्हारा अपनत्व हो जाए, तो ये सब तो फिर सहज है, ये सब तो फिर सहज है, फिर ये सब तो सहज होने वाला है, फिर ये सब तो सहज घटने वाला है। यदि आपको आपके स्वभाव में अपनत्व हो जाए, यदि आपको आपके स्वभाव में मैपना हो जाए, तो फिर ये सब तो सहज होने वाला परिणाम है, और सहज होने वाला परिणमन है और सहज परिणमित हो रहा है, सहज होने वाला परिणमन है और सहज परिणमित हो रहा है। ये साधना होती हुई दिख रही ना आपको, ये सहज हो रही है, ये क्यों हो रही है, आप कुछ तो प्रसाद कर रहे होगे ना, हाँ एक प्रसाद किया ना हमने, अपने हृदय से अपने उपयोग से अपने चैतन्यमय गुणों के प्रसाद को स्वीकार किया, अपने हृदय से अपने उपयोग से अपने चैतन्यमय गुणों के अनंत प्रसाद को स्वीकार किया है कि मेरे गुण तो मेरे अनंत प्रसाद में परिणमित हो रहा है। इस अनंत प्रसाद को स्वीकार किया है, इस अनंत प्रसाद को स्वीकार करने के कारण से ऑटोमेटिकली प्रसाद चल रहा है, अनंत प्रसाद को स्वीकार करने के कारण से अपने आप ही प्रसाद हो रहा है। रोज नहीं कह रहा भैया कि पुरुषार्थ हो रहा है, चल रहा है, निर्वाण का मोक्ष मार्ग चल रहा है, इसको कोई चला नहीं रहा, ये नहीं कह रहा सर्वक की सर्वकता से हो रहा है, सर्व की सर्वकता में तो आया ही है ये सब, लेकिन ये भी नहीं कह रहा है सर्वक भगवान की प्रमाद, ये स्वच्छंदी होने के लिए नहीं कह रहा है कि सर्वक भगवान के सर्वक भगवान के ज्ञान में जैसा आया वैसा प्रसाद चल रहा है, अर्थात वस्तु स्वरूप की आड़ लेके प्रमाद नहीं कर रहे हम कि ये हो रहा है, फिर अनंत प्रसाद को जान रहे हैं कि ऐसा ही प्रसाद मेरी आत्मा का है। लोग बाकी कहते हैं भैया हाँ हमारा मोक्ष होना होगा तो हो जाएगा, सर्वज ने जैसा देखा होगा तभी तो सम्यक दर्शन होगा भैया, तभी जब सब शुद्ध पर आनी होगी तभी तो आएगी भैया, ये बुद्धि के विकल्प बस, तो कुछ कर भी नहीं रहे हम, हाँ लेकिन ये बुद्धि के विकल्प है, ये प्रथम भूमिका में किसी बुद्धि के विकल्प है, ये प्रमाद करने के लिए बुद्धि के विकल्प है, नहीं सर्वक की सर्वक अनुसार हो रहा है, इसको इस बात को नहीं निकाल रहे हम, परम सत्य है, वस्तु स्वरूप है, लेकिन इसे कह के हम भाग नहीं रहे, फिर क्या कर रहा है, हम अपने अनंत पुरुषार्थ में निमग्न है। कौन सा अनंत पुरुषार्थ कर रहा है हमें तो बता दो, आद्यम अनादि बता दिया कर लो कर लो भगवान जी, कर सको तो कर लो कि मैं आदि अनादि शुद्ध हूं, मेरा किसी पुद्गल पर्याय से कोई संबंध ही नहीं है। इतना गहन सत्य, इतना बिल्कुल ध्रुव सत्य, यदि आप हृदय से स्वीकार कर सको तो कर लो,
सिर्फ अंतर हृदय से उपयोग को स्वीकार करना है भगवान जी, अंतर आत्मा से अंतर हृदय से उपयोग को स्वीकार करना है बस। अंतर हृदय से आपका उपयोग स्वीकार कर ले, अंतर हृदय से आपकी आत्मा स्वीकार कर ले, बस हो गया सबका। भैया ये स्वीकारता जो है ना, ये बहुत गहन स्वीकारता है, बहुत गहन स्वीकारता है, अपने उपयोग की समर्पणता सही थे, बुद्धि की समर्पणता वाली स्वीकारता नहीं है, उपयोग की समर्पणता वाली स्वीकारता है। और उपयोग की समर्पणता वाली स्वीकारता है ना, तो फिर उसकी चैतन्यता फिर मन बुद्धि चेतन सब तक चारों तरफ फैलेगी। और जब उसकी चैतन्यता चारों तरफ फैलेगी तो फिर जहाँ भी अज्ञान भाव जितनी पात्रता जितनी फैल रही है, अज्ञान भाव जितना दिखाई देगा उससे जीव मुक्त होगा, एन केन पिकड़न मुक्त होगा, एड़ी चोटी का जोड़ लगा के मुक्त होगा। चेबित सुन लो भैया, एड़ी चोटी का जोड़ लगा मुक्त होगा मतलब अर्थात उसे उससे मुक्त होने की भावना रहेगी, दुख रहेगा। और उसका यदि ज्ञानी है तो तत्काल अपने स्वभाव के पास चला जाएगा, हो जाएगा मुक्त। भैया कर्मधारा तीव्र है, स्वभाव के पास नहीं जा पा रहा तो जुगत लगाता रहेगा पूरे समय, चिंतन की, मनन की, पठन की, समय की, जवाब की, जुगत लगाता रहेगा। भैया जुगत नहीं लगाता रहा, बाहर शरीर का परिणाम भी इधर उधर कर रहा तो अंदर भाव में लगाएगा जुगत, बाहर से बेसिक क्रिया घटे तो जुगत थोड़ी कहते, अंतर से जुगत लगाता रहेगा, अंदर जुगाड़ लगाता रहेगा। भैया अंदर से जुगाड़ तुगाड़ लगाता रहेगा वो बात तो अलग है, वो परिणाम तो सहज हो रहा है, तुम उस बात को तुम साधना को मत समझो कि वो क्या करता रहेगा, तुम तो साध को समझो कि वो निष्ठा आने से ये अपने आप ही होगा। निष्ठा आने से, ज्ञान स्वभाव की अभेदता होने से ये सारा क्रम अपने आप ही चलेगा, ये क्रम चलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही चलेगा, अंतर से चलेगा, अपने आप ही चलेगा। भैया कहना क्या चाह रहा है आप? भैया एक बात बस, अंतर आत्मा से सिर्फ एक बात, क्या कहना चाह रहे हो? मेरा अनंत पुरुषार्थ मेरे अंदर विद्यमान, अंतर आत्मा से अंतर हृदय से एक बात, क्या कि मेरा अनंत पुरुषार्थ मेरे अंतर में विद्यमान है, मैं अनंत पुरुषवान चेतनमय सत्ता ही, मेरा किसी पुद्गल पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं है। अंतर हृदय से कह दो इस बात को, अंतर आत्मा की रुचि सहित कह दो इस बात को, अंतर स्वरूप की स्वीकारता सहित कह दो इस सत्य को कि हाँ मेरा किसी भी पर्याय परिणाम के कोई विकल्प से किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है। सिर्फ अपने हृदय मात्र से, अपने अंतर हृदय मात्र से इस सत्य को कह दो भगवान आत्मा, अपनी रुचि से इस सत्य को कह दो तो सारे विकल्प अपने आप ही छूट जाएंगे, सारे द्वंद अपने आप ही छूट जाएंगे और ये आत्मा परम दैविक प्रमाण परमात्मा के रूप में व्यक्त हो जाए। हे विश्वास, ये आत्मा अब भी आली तत्काल परम दैविक प्रमाण चेतन ज्योति प्रकाशवान स्वरूप, जिसकी जितनी पात्रता, जिसके अंदर जितना अंकुरण हुआ, जिसके अंदर में जितने श्रद्धान ज्ञान बलवत हुआ, उस आनंद रूप, उस ज्ञान रूप, उस दर्शन रूप, अपने आत्मा की मस्ती रूप, आत्मा के विश्वास रूप अपने आप ही स्वयं में विस्फोटित हो जाएगा। आत्मा आत्मा की मस्ती में विलास करने लगेगा, आत्मा आत्मा की मस्ती में विलास करने लगेगा। भगवान देखो परिणतियाँ विशुद्धता रूप परिणतियाँ तो जागृत होंगी, विशुद्धता रूप परिणतियाँ तो परिणमित होंगी। हर हर व्यक्ति पर्याय रूप परिणतियों की चाहना करता है कि हमारे हृदय में विशुद्धता रूप परिणति आ जाए, हमारी बुद्धि में सम्यक चिंतन रूप परिणति आ जाए, हमें भेद ज्ञान रूप गायक भाव की विशुद्ध परिणति आ जाए, सब परिणतियों की चाहना करते हैं। लेकिन बिरले है वो जीव, बिरले है वो ज्ञानी जो इन परिणतियों के साथ तो रहते हैं, परिणति तो उन्हें सहज आती है, लेकिन उनकी दृष्टि इन परिणतियों पे ना होके उनकी दृष्टि सहज अपने अवैद गायक स्वभाव पे होती है। बिरले है वो ज्ञानी, बिरले है वो ज्ञानी, बिरले है वो आत्म स्वभाव के श्रद्धानी, बिरले है वे साधक जो इन परिणतियों का महत्व नहीं रखते, जिन्हें परम पारिणामिक में स्वभाव अपना जो परम भाव है वो ही प्रिय रहता है। आद्यम अनादि शुद्धम जो सत्ता है वह वो ही प्रिय रहती है, अपना परम पुरुषार्थमय जो अनंत चेतन स्वभाव है वो ही प्रिय रहता है। ऐसे ऐसे जीव बिरले है, विरले जीव है, विरले विरले में भी विरले जीव है कोई,
जिन्हें ऐसा अपना स्वरूप प्रिय रहता है। आप देखो भगवान जी आप कहाँ, आप देखो भगवान जी कि आपके हृदय में ऐसा स्वरूप प्रिय है, आपकी आत्मा में ऐसा स्वरूप प्रिय है, आपकी अंतरात्मा में ऐसा स्वरूप प्रिय है। यदि आपकी अंतरात्मा में ऐसा स्वरूप प्रिय है तो भगवान जी आप साधना की चिंता छोड़ दो, साधना आपको रात में सोते सोते हो जाएगी, दिन में जगते जगते हो जाएगी, चौके में काम करते करते हो जाएगी, समय करते हुए भी हो जाएगी, पाठ करते हुए भी हो जाएगी, चिंतन करते हुए भी हो जाएगी, आपकी साधना हर जगह हो जाएगी, शुभ अशुभ के सारे परिणामन में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुभ अशुभ की आपकी रुचि नहीं है, शुभ अशुभ के परिणामन से आपका उपयोग संबंध तोड़ेगा, उसका संबंध टूटेगा और बिना तोड़े नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञात हो जाएगा ना कि शुभ अशुभ का परिणामन ही अज्ञान है, ये विकल्प ही अज्ञान है, इधर उधर की चिंता ही अज्ञान है, इधर उधर के विकल्प ही अज्ञान है। और जिसे अज्ञान का बोध हो जाए, जिस ज्ञानी को अज्ञान का बोध हो जाए, वो ज्ञानी फिर अज्ञान में कभी रुकता नहीं है, वे तो अपने ज्ञान स्वभाव की मस्ती में मस्त रहता है। ये गहरी चर्चा है, बहुत गहरी बात है, ये बहुत गहरी साधना का विषय है, लेकिन यदि इतनी सत्य बात है, यदि कोई पहली बार भी इस चर्चा को सुने तो भी वो इस परम सत्य को ग्रहण कर सकता है। क्या है परम सत्य? वो इस सत्य को ग्रहण कर सकता है कि पर्याय परिणमन से परे, यदि पहली बार भी कोई सुने तो मेरा स्वभाव मात्र विजयवंत है, वो भी सत्य को ग्रहण कर सकता है। भैया यदि कोई सम्यक दृष्टि श्रद्धानी साधक सुनेंगे तो उनके लिए तो ये अमृत है, सारे प्रमाद को हटाने वाला, सारी अज्ञानता को धोने वाला, सारे पाप परिग्रह से मुक्त करने वाला, मेरा परम तिंकोत्कीर्ण चैतन्यमय ज्ञान स्वभाव, ज्ञानमयी गायक स्वभाव, ज्ञानमयी गायक स्वभाव, ज्ञानमयी गायक स्वभाव, ज्ञानमयी गायक स्वभाव, अभेद ज्ञानमयी गायक स्वभाव, ऐसे ज्ञानमयी गायक स्वभाव मेरे स्वचेतनता के सुख के अलावा और कहीं कुछ भी, ये सत्य तो कोई भी ग्रहण कर सकता है, कोई भी भूमिका का पात्र जीव कोई भी जीव सत्य को ग्रहण कर सकता है, कोई भी जीव ग्रहण कर सकता है। सहज बात है, सरल बात है, बस उसे रुचि हो तत्व की, संसार की रुचि ना हो। संसार के जो लोग प्रवचन सुना, घर में ऐसे रहो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि ऐसा 16 करो, ऐसा 17 करो, या मजे लगाते, मनोरंजन करवाते, चर्चा में मनोरंजन करवाते, ये देखा ना आजकल के बड़े बड़े प्रवचनकार टीवियों में यहाँ वहाँ सब मनोरंजन करवा रहा है, जिन्हें इधर उधर मनोरंजन करने वालों के प्रवचन सुनने की रुचि है ना, इधर के उदाहरण दे दिए, उधर के दे दिए, मनोरंजन करवा दिया, खूब हंसवा दिया, जनता को खुश कर दिया, वो नहीं, बट वो लोग नहीं, आजकल अधिकतर जगह ऐसे ही हो रहा, मनोरंजन में खुश करवा रहा है जीव, कैसा भैया कैसे? वो बड़े बड़े विद्वान जिनके नाम बड़े बड़े उसमें चल रहे हैं न्यूज चैनलों में, जिनके नाम से बड़े समाज चल रही है, वो भी ऐसे मनोरंजन के काम कर रहे हैं, मनोरंजन के उदाहरण दे रहा है, जीव को मनोरंजन करवा रहा है, शुद्ध चेतना की को आत्मा कह देते हैं, शुद्ध आत्मा कह देते हैं, और पूरी चर्चा इसने ये इधर उधर कर देते हैं, ऐसे जीवों को हमारी चर्चा नहीं सुन पाएंगे। यहाँ तो जिन्हें एकमात्र काली की रुचि हो, एकमात्र काली परमात्मा की रुचि हो, एकमात्र अपना शुद्धात्मा प्रिय हो, एकमात्र जिन्होंने ठाना हो कि शुद्धता ही मेरा स्वभाव है, बस शुद्धता ही मेरा स्वभाव, शुद्धता ही मेरा स्वभाव, शुद्धता ही मेरा स्वभाव है, शुद्धता ही मेरा स्वभाव है, जिसे एकमात्र अपना स्वरूप प्रिय हो, सिर्फ वो जी पहली बार भी सुनेगा ना तो खट से ग्रहण कर जाएगा, आह कितनी उत्कृष्ट बात है, आह मेरा अनंत पुरुषार्थ तो मुझ में ही परिणमित हो रहा है, मेरा अनंत शुद्ध पुरुषार्थ मुझ में ही परिणमित हो रहा है, मैं अनंत गुणों से अपनी चेतना में विलास कर रहा हूँ, ये कितना अनंत सत्य है, तुम्हारी दृष्टि सत्य भगवान जिस सत्य पर दृष्टि है ना तो मूर्छा टूट जाएगी, 24 घंटे की मूर्छा टूट जाएगी, रात में सोने की बात नहीं कर रहा अभी, जितने समय अज्ञान परिणाम जानबूझ के लगते ना, अज्ञान भाव में जानबूझ के जो अज्ञान भाव में लगते हैं ना, अपनी कसायों का पक्ष लग के जानबूझ के, नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, ये जो 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 जानबूझ के जो कसायों का पक्ष है, अपनी तरफ से जो कसायों का पक्ष है, अपनी तरफ से जो अहम का पक्ष है, अपनी तरफ से जो राग का पक्ष है, वह सारे पक्ष टूटे बिना रहेंगे नहीं, यदि सही में अंतर से स्वीकार होगा तो।
अंतर से स्वीकार होगा तो ये सारे पक्ष टूटे बिना नहीं रहेंगे। इसलिए हे साधक, हे चेतन चेतो, हे आत्मन जागो, हे आत्मन अपने में सावधान हो, सचेत रहो, अपने स्वभाव के लिए अपने हृदय से समर्पित रहो, ये अपना ममल स्वभाव ही जयवंत है, आद्य मनादि शुद्धम। बस ऐसे ध्रुव शुद्ध स्वभाव की महिमा करो, ऐसे ध्रुव शुद्ध स्वभाव का बहुमान करो, ऐसे आनंद परमानंद में लीन रहो, यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भवात्माओं के लिए एक मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।